प्रोफेसर LBW यानी कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने हाल ही में दो बड़ी फिल्में साइन की हैं, एक डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ तो दूसरी सलमान खान की भारत। लेकिन अगर कॉमेडियंस की हिस्ट्री पर गौर करें तो इनका फिल्मों में रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। आइए आपको बताते हैं टीवी के उन कॉमेडियंस के बारे में जो बॉलीवुड में अपना करियर नहीं बना पाए। नंबर एक, कपिल शर्मा। टीवी के सबसे पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने किस किस को प्यार करूं से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद फिल्म फिरंगी लेकर कपिल शर्मा आए, लेकिन दोनों ही फिल्में फ्लॉप रहीं। नंबर दो, कृष्णा अभिषेक। कृष्णा ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू 2002 में किया था, फिर इसके बाद उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल ही मिले। नंबर तीन, अली असगर। अली ने 1998 में अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत कर दी थी, लेकिन फिल्मों में सफलता कभी उनके हाथ नहीं लगी। नंबर चार, भारती सिंह। भारती ने अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी 786 में एक छोटा सा रोल किया था, मगर उसके बाद उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। नंबर पाँच, मनीष कौल। टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन मनीष कौल ने भी फिल्मों में हाथ आजमाया था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। नंबर छह, सुगंधा मिश्रा। सुगंधा मिश्रा ने टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती में काम किया था, लेकिन उसके बाद वो किसी और फिल्म में नजर नहीं आई। नंबर सात, सुनील पाल। सुनील कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते रहे, लेकिन फिल्मों में उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद उन्हें थी। नंबर आठ, कीकू शारदा। कीकू ने फिर हेरा फेरी जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया था, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी टीवी पर मिली। और नंबर नौ, गौरव गेरा। गौरव गेरा ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें टीवी ने ही असली पहचान दिलाई।